नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं अजय भारत, मैं हूं तनुप्रिया। हाजीपुर में दर्जनों छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। जी हां, इनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दूं कि हाजीपुर के सीपेट इंजीनियरिंग कॉलेज में फूड पॉइजनिंग के चलते दर्जनों छात्र बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि पीजी में जो छात्र हैं वो खाना खाने गए थे और जहाँ खाने से छिपकली मिली है और छिपकली मिलने के बाद कई छात्र इससे बीमार हुए हैं और फूड पॉइजनिंग के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें बीके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रशासन और साथ ही पीजी के अधिकारी इस मामले से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। और हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इस कॉलेज में ऐसा फूड पॉइजनिंग का केस सामने आया है जहाँ पर कई छात्र बीमार हुए हैं और फिर भी कॉलेज प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि जो बीमार छात्र हैं उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार जो छात्र हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, बीमार पड़े हैं और तब भी कॉलेज प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया था। और कॉलेज प्रशासन लगातार इस हादसे और इस मामले को अनदेखी करती आई है। लगातार छात्र बीमार पड़ रहे हैं और 12 से अधिक जो छात्र हैं इस बार फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं और खाने से छिपकली मिली है। तस्वीर आपको दिखाएंगे, देख के कहा जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही है और कितने छात्र बीमार भी हो सकते हैं और कई की जान भी जा सकती है। कॉलेज प्रशासन का कुछ भी नहीं इस पर कहना है, उन्होंने पूरे मामले पे कन्नी काटते नजर आई है, कोई भी जवाब नहीं दिया गया। साथ ही साथ जो पीजे के अधिकारी है इस मामले से कन्नी काटते नजर आए। और हालांकि छात्रों का कहना है कि इसके पहले भी लगातार इस तरीके के मामले होते आए हैं और जो कॉलेज प्रशासन है कोई जो ठोस कदम कहा जा सके वो नहीं उठाती है। यहाँ सीपेट कॉलेज में MOPP करके आया है और हम लोग दो चार बार नालिश भी किए थे जाकर, ऑफिस में इस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया गया। किस चीज़ कैसे कहते? मतलब खाना के लिए लेके दो चार बार कीड़े भी पड़े थे उसमें। उसके बाद हमने मतलब कॉलेज करके आए यहाँ पे हॉस्टल पे अपने पीजी पे, लंच टाइम खाना बन देर से बना, 2 बजे खाना मिला, 1 बजे टाइम है। हम लोग यहाँ पे खाना गए, खाने लाइन लग गया। लाइन लगने के बाद जब हम लोग खाना खा लिए, एक लड़के का डब्बा था वो टिफिन, उस टिफिन में एक मतलब ये जो है छिपकली गिरी हुई थी, वो मर चुकी थी मतलब। उसके बाद हम लोगों ने मतलब देखा कि लड़का आके नीचे बताया, हम लोग अपना सब खाना फेंक दिया और उसके बाद से हम लोग का 5-10 मिनट बाद प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ, जैसे कि चक्कर आने लगा, वीकनेस टाइप का सब दौड़ स्टार्ट हो गया। कितने बच्चे आप लोग बीमार हुए? मतलब अभी तो यहाँ पे हम लोग 5-7 आदमी हैं, लेकिन और भी बगल के हॉस्पिटल में 5-10 लड़का गया है और वो जो 20-30 लड़के और खाए हैं तो उन लोग का भी मतलब कुछ रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। हम अभी 10-15-20 लड़के हैं, उन लोग का मतलब अभी असर स्टार्ट हुआ है। और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अजय भारत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।